नर्सों में इजाफा किया, पैरामेडिक्स ये 12% इसमें इजाफा हुआ, और LHW और ये LHVs ये 24%, तो जो टोटल ग्रैंड टोटल जो सारा मिला के ये 39% इसमें इजाफा किया। ये था ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, ये था ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से इजाफा। अब इनके जो इंक्रीज, जो स्टाइफेंड इंक्रीज है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँ। ये वो डिमांड थे जिसकी वजह से आए रोज इनके प्रॉब्लम्स होते थे, ये एहतजाज पे जाते थे। ये वो डिमांड है जो एहतजाजों के बाद या जो भी इनके साथ निगोशिएशन, वो हमने पूरे किए। इसमें आता हूँ मैं, हाउस ऑफिसर, इसका स्टाइफेंड मिलता था 24,000, ये हमने 62,000 कर दिया। TMOs का जो स्टाइफेंड था 42,000 था, ये कैटेगरीज वाइज थे, सॉरी ये हमने 1,03,000 कर दिया, यानी 42,000 से 1,03,000 से स्टाइफेंड। और जो HPA है, जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है फॉर डॉक्टर्स, ये पहले मिलता था 10,000 या 15,000, ये हमने कर दिया है 1,40,000। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि लोगों को भी पता चले कि हमने क्या किया है और हमें रिस्पांस में क्या मिल रहा है। यानी 10,000 से हमने 1,40,000 पे पहुंचा दिया। इनके डिमांड थे, हर डिमांड माना है। इसी तरह जो नर्सिंग पैरामेडिक्स थे वो जीरो था, वो हमने 10,000 कर दिया। जो स्टाइपेंड स्टूडेंट नर्स थे वो 3,500 थे, वो 20,000 कर दिया। इसी तरह जो नर्स जो मिस अलाउंस है इनका नर्सेस का वो 500 से 8,000 कर दिया। फिर ड्रेस अलाउंस जो था वो 600 मिलता था, वो हमने 3,100 कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जो हम इनके साथ हमेशा से हम निगोशिएशन करते थे, डिमांड्स होते थे इनके, वो डिमांड्स। एक डिमांड इनका और भी था कि जी ये जो फोर्थ ईयर मेडिकल ऑफिसर का जो फोर्थ ईयर फार्मूला, ये डिमांड करते थे। इसमें जो ग्रेड 20 की पोस्टें थी हमारे पास, वो 24 थी, वो हमने 171 कर दी। 24 से 171 20 ग्रेड की पोस्टें कर दी। 19 ग्रेड की 357 थी, वो हमने कर दी 1,087। जरा नोट करें ये चीजें, 357 से 1,087 19 ग्रेड। और 18 ग्रेड हमारे पास 706 पोस्टें थी, ये हमने 2,060 कर दी। ये जनरल कैडर के जो डॉक्टर्स हैं, ये इनके बहुत बड़े बड़े डिमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा स्पेशलिस्ट उस पर आते हैं, स्पेशलिस्ट कैडर पे आते हैं, जो 3-tier फार्मूला इनका डिमांड था। इसमें हमने 20 ग्रेड की 16 पोस्टें थी, ये 93 कर दी। 19 ग्रेड की 119 थी, ये 372 कर दी। और फिर आते हैं डेंटल सर्जन पे, ये ग्रेड 20 की पोस्टें थी, दो से हमने 11 कर दी। 19 की थी 22 से हमने 67 कर दी। और 18 की 44 थी, ये 127 कर दी। तो ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल से इनके डिमांड। अच्छा, नर्सिंग का कोई वो नहीं था, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था पैरामेडिक्स का। ये 5-tier फार्मूला उनको दिया गया 70, और उसमें 20 ग्रेड तक इनको प्रमोशन के लिए वो कर दिया गया। सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब नर्सिंग पैरामेडिक्स ये बेचारे ख्वार होते थे। सबसे ज्यादा काम भी ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा काम मेहनत जो है वो पैरामेडिक्स की होती है। अगर आपके पैरामेडिक्स अच्छे हैं तो आप समझे कि आपका पेशेंट भी अच्छा होगा। तो उनके लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, उनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर दिया। अभी ये वो चीजें हैं जो मैं आपको, इस पे नहीं जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो डॉक्टर्स का डिमांड था, आप अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स का डिमांड क्या है। सुबह वजीर इत्तला चौकत यूसुफ जई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया।